Hey guys, this is Vinod Kapri और मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी उन सभी कविताओं को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं कभी ना कभी लिखते रहता हूँ। ये कविताएं उन सभी लोगों को डेडिकेट हैं जो कभी इश्क में थे और जो अभी भी इश्क में हैं। मेरी पहली कविता का जो थीम है वो है रमजान वाला इश्क, जिसमें एक हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़की के साथ रमजान के महीने में इश्क हो जाता है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। इश्क का रमजान चल रहा था और मैं रोजा रखने वालों में बिल्कुल भी नहीं था। इश्क का रमजान चल रहा था और मैं रोजा रखने वालों में बिल्कुल भी नहीं था। लोग इंतजार करते थे रात को उस चांद के आने का, लोग इंतजार करते थे रात को उस चांद के आने का, और मैं अपने चांद का दीदार दिन में किया करता था। उसने भी रोजा रखा था, हाँ उसने भी रोजा रखा था, और उसे भी बड़ी बेसब्री से उस चांद का इंतजार था। वो आई छत पर जब शाम होने को थी, वो आई छत पर जब शाम होने को थी, तो नजरों ने मेरी धरती पे चांद को देखा था। इकटक नजरों ने उसे नजरों से दूर होने न दिया, इकटक नजरों ने उसे नजरों से दूर होने न दिया। वो जरा पलट कर देखने ही लगी थी मुझको, तो लगा जैसे समंदर खुद ही में भीग सा गया। दुआ मुकम्मल हो इसलिए रोजा रखा था उसने, दुआ मुकम्मल हो इसलिए रोजा रखा था उसने। दीदार मुझे करा के खुदा उसका रोजा कबूल कर गया। एक पल के लिए मुस्कुराए थे हम दोनों, एक पल के लिए मुस्कुराए थे हम दोनों जब एक दूसरे को हमने देखा था। एक पल के लिए मुस्कुराए थे हम दोनों जब एक दूसरे को हमने देखा था, पर जहन से फिर आवाज आई कि मैं रोजा रखने वालों में बिल्कुल भी नहीं था। अब अक्सर वो भी आया करती थी छत पर अपने चांद के बहाने से, अब अक्सर वो भी आया करती थी छत पर अपने चांद के बहाने से, और मैं अक्सर खुद के चांद की हसरत से छत पे जाता था। अब अक्सर वो भी आया करती थी छत पर अपने चांद के बहाने से, और अक्सर खुद के चांद को देखने की हसरत से मैं भी जाता था। रमजान के रोजे पूरे होने को थे, रमजान के रोजे पूरे होने को थे, और उसके चले जाने का खौफ नजरों में साफ नजर आता था। चली गई वो रमजान के उस महीने के बाद, चली गई वो रमजान के उस महीने के बाद, नाम उसने अपना आयत बताया था। चली गई वो रमजान के उस महीने के बाद, नाम उसने अपना आयत बताया था। समझ नहीं आती नहीं थी हमको क्योंकि मैं रोजा रखने वालों में बिल्कुल भी नहीं था। अब अक्सर अकेला जाता हूँ छत पर, अब अक्सर अकेला जाता हूँ छत पर, और रमजानों का इंतजार किया करता हूँ। अब अक्सर अकेला जाया करता हूँ छत पर और रमजानों का इंतजार किया करता हूँ, पर गुजर गए रमजान बहुत से, पर आज भी सिर्फ आयत को समझने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। तो गाइस ये मेरी पहली पोएट्री थी, तो इसमें आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है ये मैं आपको अपने YouTube के माध्यम में देखना चाहूँगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई पोएट्रीज के लिए बेल आइकन्स को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।